गुड मॉर्निंग। कल कुछ होमवर्क था? नहीं था। यस्टरडे वी डिस्कस्ड द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन कैपिटल बजटिंग। नाउ टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सिचुएशन दैट इज कॉल्ड एज लाइफ डिस्पैरिटी। लाइफ डिस्पैरिटी life disparity is a situation where lives of two projects are different and NPV method and NPV method fails to give satisfactory results, fails to give satisfactory results. अब यहां पे सिचुएशन कैसी है? सपोज हमारे पास में दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, एंड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ए इज से 5 years and life of the project B is say 10 years and NPV say this is having 6,000 and this is having 8,000. अब अगर हमारे को NPV method से selection करना है तो कौन सा project select करना चाहिए जिसकी NPV ज्यादा है, एंड किस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है? प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ज्यादा है ना, बट दैट हायर एनपीवी इन इज इन मोर इयर्स ऑल्सो। वो 10 साल में 8,000 की एनपीवी आ रही है, एंड इन केस ऑफ द प्रोजेक्ट ए दैट एनपीवी ऑफ 6,000 इज इन 5 years। तो अब अगर मैं एनपीवी मेथड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करता हूं तो मेरा कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए था? प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट होना चाहिए था, बट कैसा लगता है हमने सही सिलेक्शन किया? सर इज नो। सो दिस इज द सिचुएशन वी कॉल एज लाइफ डिस्पैरिटी। व्हाट इज लाइफ डिस्पैरिटी? वेयर द लाइव्स ऑफ टू प्रोजेक्ट्स इज डिफरेंट। सो राइट इन केस ऑफ life disparity following two methods can be used Following two methods can be used under that right first make the lives of projects equal by repeating them. Then, अब यहां पे क्या हुआ, क्या कर सकते हम?
कि सपोज प्रोजेक्ट ए की लाइफ है 5 ईयर्स, प्रोजेक्ट बी की लाइफ है 10 ईयर्स, तो क्या करो, प्रोजेक्ट ए को 2 बार रिपीट कर दो। एंड अगर हमने प्रोजेक्ट ए को 2 बार रिपीट कर दिया तो प्रोजेक्ट ए की लाइफ कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स हो जाएगी। एंड कंप्यूट द एनपीवी फॉर 10 ईयर्स लाइफ, तो लाइफ डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। एंड 10 ईयर्स लाइफ में जिस भी प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा आती है उसको सेलेक्ट कर लो। इट कुड हैव बीन डन, बट सोच के देखो कि अगर यहां पे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स की जगह अगर सपोज ये 6 ईयर्स एंड 10 ईयर्स है, तो अगर ये 6 ईयर्स एंड 10 ईयर्स है तो प्रोजेक्ट ए को रिपीट करेंगे तो कितनी हो जाएगी लाइफ, 12 ईयर्स हो जाएगी। फिर एक बार और रिपीट करा तो 18 ईयर्स हो गए। फिर प्रोजेक्ट बी को रिपीट करो तो अब क्या करना पड़ेगा, इस केस में लाइफ इक्वल करने के लिए प्रोजेक्ट ए को 5 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा एंड प्रोजेक्ट बी को 3 टाइम रिपीट करना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो एलसीएम विल बिकमिंग 30। सो यहां पे 30 ईयर्स पे जाके लाइफ इक्वल होंगे। इसी में अगर सोच के देखो कि अगर लाइफ 7 ईयर्स और 8 ईयर्स होती तो एक बार एक को 8 टाइम्स रिपीट करो, दूसरे को 7 टाइम्स रिपीट करो एंड देन द लाइफ विल बिकम इक्वल। सो इन दैट सिचुएशन देयर हैज टू बी बेटर मेथड। दिस इज वन मेथड वेयर यू कैन कंप्यूट द वैल्यू एंड यू कैन रिजॉल्व द इशू, बट यहाँ पे दिक्कतें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकली इट विल क्रिएट द डिफिकल्टीज, विल मेक द प्रॉब्लम्स लेंदी। सो देयर हैज टू बी सम बेटर एंड इम्प्रूव मेथड एज कंपेयर टू दिस। सो राइट, और सेकेंड कंप्यूट ई ए वी और ए ई वी, दिस इज इक्विवेलेंट एन्युइटी वैल्यू और एनुअल इक्विवेलेंट वैल्यू। होप दिस क्लियर। सो व्हाट यू हैव गॉट हियर इज, तो यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं कि ईएवी या ईएवी, सम बुक्स कॉल इट एज एईवी, सम बुक कॉल इट एज ईएवी, ठीक। देन अब ईएवी का यहां पे फॉर्मूला क्या है, राइट, ईएवी वी आर गोइंग टू यूज द टर्म ईएवी फॉर दिस। इट इज एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, cumulative discounting factor for life of project. Cumulative discounting factor for life of project. Then EAV actual mein represent kya karta hai, राइट, ईएवी रिप्रेजेंट्स एनुअलाइज्ड एनपीवी, ईएवी रिप्रेजेंट्स एनुअलाइज्ड एनपीवी, मतलब ये पर एनम की एनपीवी कंप्यूट कर रहा, इज इट क्लियर। देन राइट नेक्स्ट, EAV method can be used only if projects can be repeated, only if projects can be repeated.
Only S projects can be repeated. Only if projects can be repeated. ठीक, सब यहाँ हुआ क्या? Look, ये भी क्या कंप्यूट कर रहे हैं? This is equivalent annuity value. क्या करा हमने? NPV of project लिया, इसको divide करा cumulative discounting factor for life of project. अब इस केस में ये EAV ने क्या कंप्यूट करा? इसने कंप्यूट करा annualized NPV. कि प्रोजेक्ट से पर ईयर एनपीवी कितनी मिल रही है. अब लाइफ 5 ईयर्स हो या 10 ईयर्स हो, अगर मेरे को ये पता चल गया कि पर ईयर एनपीवी जिसकी ज्यादा है वो बेटर है ना प्रोजेक्ट. इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर किसी प्रोजेक्ट को 10 ईयर्स रन कर रहे हो सो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है दैट इट मे बी गिविंग हायर एनपीवी इन 10 ईयर्स टाइम. बट अगर मैं पर ईयर की एनपीवी निकाल दूं तो जिसकी पर ईयर की एनपीवी ज्यादा है वो प्रोजेक्ट बेटर हो गया. बट ये भी मेथड यूज ही तभी किया जा सकता है जब प्रोजेक्ट रिपीट हो सकते हो. एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट को रिपीट किया ही जा सकता है. लाइक विल यू बी गिविंग द फाइनल अगेन एग्जाम आफ्टर पासिंग इट? प्रोजेक्ट को रिपीट करोगे कि बीकॉम और सीए में लाइफ इक्वल नहीं थी तो लाइफ इक्वल करने के लिए क्या करा? रिपीट कर दे. बीकॉम रिपीट कर सकता पर क्या सीए कोई रिपीट करेगा? आंसर इज नो. तो क्या ये प्रोजेक्ट रिपीट करा जा सकता है? ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं. दोज कैन बी टेकन ओनली वंस इन द लाइफ टाइम. एक ही बार उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है. सो इन दैट सिचुएशन अगर प्रोजेक्ट को रिपीट किया ही नहीं जा सकता है तो वहां पे हम ईएवी मेथड यूज नहीं कर सकते. ईएवी मेथड एक्चुअल में काम कैसे करता है? इसमें हमने एनुअलाइज्ड एनपीवी निकाली. अब एनुअलाइज्ड एनपीवी निकालने के बाद में अगर तुम प्रोजेक्ट की लाइफ को इक्वल कर सकते हो तो होगा क्या? अगर ये ए और बी है, लाइफ इक्वल करी जा सकते रिपीट करके, तो 30 ईयर पे लाइफ इक्वल हो जाएगी. सो लाइफ इक्वल हो गई रिपीट करके. ठीक, अब जिसका ईएवी ज्यादा है उन दोनों में से, दोनों को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिसका ईएवी ज्यादा आएगा उसका इक्वल लाइफ पे एनपीवी भी ज्यादा आएगा. सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? सो डिसीजन हमारा वहां पे अप्रोप्रिएट आया. सो यहां पे ईएवी मेथड कब कब यूज करा जा सकता? जब प्रोजेक्ट्स को रिपीट किया जा सकता है. एंड अगर प्रोजेक्ट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता तो हमारे को सिलेक्शन करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी. भले ही 10 साल में दे रहा हो एनपीवी ज्यादा, बट ज्यादा एनपीवी तो दे रहा है ना. बीकॉम और सीए, सीए में टाइम ज्यादा लगा, बीकॉम में कम लगा, बट उसकी एनपीवी भी तो कम है ना. इधर की एनपीवी ज्यादा है. ठीक, तो कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए जिसका एनपीवी ज्यादा, क्योंकि यहां पे लाइफ इक्वल कर ही नहीं सकते. तो जिसका एनपीवी ज्यादा है, सीए में ज्यादा टाइम में ज्यादा एनपीवी आया, बीकॉम में कम टाइम में कम एनपीवी आया, लाइफ इक्वल कर ही नहीं जा सकती, तो ईएवी कंप्यूट मत करो एंड डायरेक्टली सिलेक्शन कर दो एनपीवी के बेसिस में. प्रोजेक्ट बी में 10 साल में ही सही, बट मिला तो ज्यादा एनपीवी. इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑलरेडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंसिडर करके ही निकाला होगा ना तुमने एनपीवी. सो व्हाट हैपेंस हियर कि अगर प्रोजेक्ट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता तो इन दैट सिचुएशन व्हाट टू बी डन? वहां पे हमें क्या करना चाहिए? राइट, इफ प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, then NPV method should be used for selection of projects, for selection of projects. ठीक,
Come to problem number 17. Problem number 17 pe. प्रॉब्लम नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, एबीसी लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग फॉलोइंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स अंडर टू सेट्स ऑफ अजम्पशंस, दैट इज दे आर वन ऑफ इन्वेस्टमेंट. वन ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, दे कैन बी टेकन ओनली वंस. इज दिस क्लियर? वन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक बार लिया फिर खत्म हो गया, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जा सकता है. So they are one of investment or they can be repeated indefinitely. So अगर one of investment है तो इसका मतलब repeat नहीं किया जा सकता. Repeat नहीं किया जा सकता तो कौन सा method use करेंगे, NPV method. Then अगर repeat किया जा सकता है तो कौन सा method use करेंगे, EAV method. और EAV का formula क्या है, NPV divided by cumulative discounting factor. तो NPV तो कंप्यूट करना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में. सो वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आउटले प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट वाई का एनुअल नेट इनफ्लो लाइव दिया है 4 years and 7 years. ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज ऑफ लाइव डिस्पैरिटी. स्क्रैप वैल्यू इज गिवन, इवेल्युएट द प्रपोजल इफ डिस्काउंट रेट इज 15%. So, यहां पे कुछ भी हो, कोई भी अजम्पशन हो, हमारे को एनपीवी तो चाहिए ही. सो पहला काम क्या करते हैं, एनपीवी कंप्यूट करते हैं. स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी. Statement for computation of NPV. Columns are year, particulars, cash flow, discounting factor at the rate of 15% and discounted cash flow. Year, particulars, cash flow, discounting factor at the rate of 15% and discounted cash flow. Now, year zero, initial outlay, दो प्रोजेक्ट है ना हमारे पास में, एक year particulars and then discounting factor at the rate of 15%. Dubara bana lo isse. Year particulars, discounting factor at the rate of 15% and then project X under the two columns, cash flow, discounted cash flow, then project Y. Here also cash flow and discounted cash flow. Now, year zero, initial outlay for 0 year discounting factor has to be 1. For project X this is outflow 40,000, discounted cash flow also outflow 40,000. Now for project Y, this is outlay is how much? 60,000. Discounted cash flow is also outflow 60,000. Then
अब इसके बाद में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एक्स इज 4 years, सो वी टेक 1-4 कैश इनफ्लो 15% पे 4 years का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ. 15% पे कितना आया? 2.855. तो 15,000 इंटू 2.855 कितना आ गया हमारे पास? 42,825. अब उसका प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टली 1-7 ही करेंगे, ठीक, वहां पे नहीं कर रहे उसमें. देन इसमें फोर्थ ईयर में हमारी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.5718 and scrap value is how much is 5,000. Discounted cash flow is kitna 2859 and then iske baad mein 1-7 this is कैश इन फ्लो एंड क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 4.1604 एंड दिस इज 16,000. $16,000 into 4.1604 that comes to $66,566. Then seventh year scrap value discounting factor batao kitna aega. 3759 and discounted cash flow is 1128 and now compute the NPV.5684 7694. होप एवरीबडी हैज गॉट दिस. अब हमारा पहला अजम्पशन क्या है? दे आर वन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो रिपीट नहीं हो सकते. अगर प्रोजेक्ट रिपीट नहीं हो सकते हैं देन द सिलेक्शन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो राइट अजम्पशन वन प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ
investment. Projects are one-off investment. Projects are one-off investment. So write as projects are one-off investment that is they cannot be repeated, they cannot be repeated, therefore selection should be made on the basis of NPV of projects. अब यहां पे किस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है? प्रोजेक्ट वाई की एनपीवी ज्यादा है, सो इट शुड बी सिलेक्टेड. सो राइट एज प्रोजेक्ट वाई इज हैविंग हायर एनपीवी, हेंस it should be accepted. Hence it should be accepted. Then ab iske baad mein assumption 2 projects can be repeated indefinitely. Projects can be repeated indefinitely. And right here, if projects can be repeated indefinitely, then EAV method should be used for selection of projects. EAV method should be used for selection of projects. Should be used for selection of projects. And here, write statement for computation of EAV. Statement for computation of EAV. So three columns: particulars, project X and project Y. Particulars, project X and project Y. Write NPV of project. For project X, this is 5684. And for project Y, this is 7694. Then right after this, cumulative discounting factor for
life of project. Cumulative discounting factor for life of project. And for project ek life kitna hai? 4 years hai. And here this is 2.855 is the cumulative discounting factor, and for the project Y life is 7 years, cumulative discounting factor is 4.1604. Then write EAV in bracket NPV divided by cumulative discounting factor, and this is 5684 divided by 2.855, and this is 7694 divided by 4.1604. तो बताओ कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए. प्रोजेक्ट एक्स, इसका टोटल एनपीवी कम था बट ईएवी दैट इज एनुअलाइज्ड एनपीवी इज मोर. सो राइट प्रोजेक्ट एक्स शुड बी सेलेक्टेड एज इट इज हैविंग higher EAV in bracket annualized NPV. Annualized NPV. Hope this clear. And यही प्रोसेस किसके लिए यूज करा जा सकता था, कॉस्ट इवैल्यूएशन के लिए. सपोज हमारे पास में दो मशीन है सेलेक्ट करने के लिए, तो उनमें से दोनों से बेनिफिट सेम है, तो कौन सी मशीन सेलेक्ट करोगे जिसमें कॉस्ट कम है. सो वहां पे कॉस्ट एनालिसिस आएगा. सो कम टू प्रॉब्लम नंबर 16. अ फर्म इज कंसिडरिंग इंस्टॉलिंग Either of two machines which are mutually exclusive. Mutually exclusive का मतलब क्या हो गया, दो में से कोई एक मशीन चूज करी जा सकती है, दोनों को चूज नहीं किया जा सकता. इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों में से कोई एक चूज कर सकता, दोनों को भी चूज कर सकता. इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिफरेंस हो गया, हमारे को दो में से किसी एक का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा. ठीक, सो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इंडिपेंडेंट मतलब दो में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों मशीन भी सेलेक्ट करी जा सकती थी अगर इंडिपेंडेंट होती तो. इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ. अब यहां परचेज कॉस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है. फॉर मशीन एक्स इट इज 10 ईयर्स एंड फॉर मशीन वाई दिस इज 6 ईयर्स. सो देयर इज अ लाइफ डिस्पैरिटी. मशीन एक्स विल रिकवर सेल्वेज वैल्यू ₹1500 इन ईयर 10 व्हाइल मशीन वाई विल रिकवर ₹1000 इन ईयर 6. Determine which machine is cheaper at 10% cost of capital, assuming machines operate at same efficiency. मतलब benefit तो same है, तो जिसकी cost कम होगी वो हम select करेंगे. Present value of ₹1 at 10% discounting factor is given, and present value factor at the end of 6 years is given, and at the end of 10 years is also given. Now, here, पहला काम हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें NPV compute करनी पड़ेगी. So write statement for computation of NPV. स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ एनपीवी. डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना परसेंट पे है, 10%. सो सीरियल नंबर ईयर पर्टिकुलर्स डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%. देन मशीन एक्स
machine X. Under that, two columns, cash flow, discounted cash flow. Machine Y. Here also cash flow and discounted cash flow. Cash flow and discounted cash flow. Now, year zero, purchase cost. Zero year ka discounting factor will be 1. Purchase cost yahan kitna hai? This is 10,000. Discounted cash flow 10,000. And here purchase cost is 8,000. And discounted cash flow is 8,000. Look, sasti machine hai. Operate karne mein mehengi hai. And life kam hai. Hota hai. मशीन सस्ती लोगे लाइफ कम है दूसरी मशीन महंगी है ड्यूरेबल है और रन करने में कम कॉस्ट पे है देन अब इसके बाद में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए कैश फ्लो सेम है ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है तो 1-3 ले लिया ऑपरेटिंग कॉस्ट अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं उनका टोटल करके लो एंड ये हमारे सब आउटफ्लोज ही हैं टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट डिस्काउंटेड कैश फ्लो बताओ कितना फोर नाइन सेवन फोर 4974 6217 then 4-6 again operating cost cumulative discounting factor compute karo and for machine X this is 2500 this is 3800 हाँ 1.84 4671 7 देन अब इसके बाद में ईयर सिक्स पे स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन वाई है क्योंकि इसमें सब आउटफ्लोज हैं सिर्फ एक ये स्क्रैप वैल्यू ही इनफ्लो है सिक्स ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.5645 मशीन वाई में स्क्रैप वैल्यू है 1000 सो राउंडेड ऑफ वैल्यू आ गई इसकी 565 इनफ्लो देन ईयर 7-10 ऑपरेटिंग कॉस्ट 7-10 ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना 1.7895 discounted cash flow is 5368 then year 10 scrap value scrap value and this is discounting factor for 10th year is 0.3855 and this is kitna 1500 ka scrap value hai inflow mein 578 NPV compute karo
24,000, 435 negative, 20,000, 752, this is also negative. Look, अगर machines हैं तो repeat करी ही जा सकती है, इसकी life खत्म होगी, नई machine खरीद लेंगे, फिर life खत्म होगी, फिर नई machine खरीद लेंगे, तो by default assume करेंगे ही कि project repeat करी जा सकता है. अगर life disparity का problem है, exam point of view अगर उन्होंने नहीं लिखा कि वो repeat हो सकते हैं कि नहीं हो सकता, तो हमेशा मान के चलोगे कि वो repeat हो सकता है. कब नहीं repeat हो सकते? जब लिखा है कि वो repeat नहीं हो सकते. Is this point clear? So in this situation, we are supposed to compute EAV. क्योंकि अगर तुम मशीन Y को 6 years run करोगे, तो obviously 6 साल चलाने की cost कम आएगी, 10 साल चलाने की cost ज़्यादा आएगी. But matter क्या करता है कि annualized cost किसकी कम आती है. So right, as there is life disparity, therefore selection should be made on the basis of EAV of projects. On the basis of EAV of projects, and statement for computation of EAV, statement for computation of EAV. कॉलम्स क्या आ जाएंगे? पर्टिकुलर्स, मशीन एक्स एंड मशीन वाई. पर्टिकुलर्स मशीन एक्स एंड मशीन वाई. एंड हियर राइट एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, सॉरी एनपीवी ऑफ मशीन NPV of machine, this is negative 24,435 and this is negative 20,752. Then cumulative discounting factor for life of machine so for machine X life is 10 years and the cumulative discounting factor problem mein last line mein diya hua hai 6.1446 and for 6 years life 4.3553. agar discounting factors diye hue hain problem mein, we should use those discounting factors only, because agar discounting factors mein difference aata hai to hamare answer mein bhi difference aata hai. EAV is NPV divided by cumulative discounting factor. This is negative 24,435 divided by 6.1446. This is negative 20,752 divided by 4.3553. थ्री नाइन सेवन जीरो सेवन सेवन थ्री नाइन सेवन सेवन फोर सेवन सिक्स फाइव. तो कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी चाहिए? मशीन एक्स शुड बी सेलेक्टेड बिकॉज इट इज हैविंग लोअर एनुलाइज्ड कॉस्ट. सो राइट machine x
should be selected as it is having lower annualized cost. As it is having lower annualized cost. Hope it is clear. Everybody has got this. Now, अब यहां Now, after this, we come to next concept that is called as capital rationing. So, write next capital rationing. Capital rationing. Rationing क्या हो गया? कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में पड़ता है ना लिमिटिंग फैक्टर तो वहां पे हमारे को रेशनिंग मींस जो चीज रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स है उसको एलोकेट करना रेशनिंग दैट इज कॉल्ड एज ये दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द रेशन मींस रेशनलाइजेशन से आया रेशनिंग ठीक राशन का मतलब आटा दाल चावल नहीं ठीक इंडिया में वो क्या है कि वो राशन की दुकान मतलब आटा दाल चावल केरोसिन दिस इज नॉट राशन ठीक वो राशन हो गया राशन से ठीक सो दिस रैशनिंग इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड रैशनल ठीक सो जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस है ये रैशनिंग कब शुरू हुई जब इंडिया में फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम्स थी एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों के पास में मीन्स जो आउटपुट हो रहा था वो बहुत उतना सफिशिएंट नहीं था तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि वो रेशनिंग करनी शुरू करी कि इस पर्सन को इतना ही मिलेगा महीने में ठीक सो क्या हुआ कि उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू देवर रेशनिंग द थिंग्स एंड बहुत बुरी पोजिशन थी वी हैव टू इम्पोर्ट द फूड ग्रेन्स एंड लोग खैरात में भी देते थे हमारे को बहुत बुरी हालत थी इंडिया की एंड इंडिया यूज्ड टू बी इंटरनेशनल बेगर प्रायर टू 1990 एंड छोटे छोटे देश मीन्स अगर आज की डेट में देखो ठीक है ब्रिटेन कितना भी बड़ा रहा हो पर है तो छोटा सा कंट्री ना और उसमें भी इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड चार वो दो तीन अलग अलग हो जाएंगे तो कितना सा बचेगा छोटा सा उससे बड़ा तो महाराष्ट्र है ठीक एंड पॉपुलेशन में ले लिया तो फिर और भी छोटे छोटे कंट्रीज जो इंडिया को डोनेशन दिया करते थे ग्रांट दिया करते थे 20 लाख पाउंड 50 लाख पाउंड और थोड़े थोड़े पैसों के लिए कभी वर्ल्ड बैंक के सामने खड़े हुए हैं कभी इनके सामने खड़े हुए हैं एंड ये हमारे को खैरात बांटते थे इंडिया यूज्ड टू बी इंटरनेशनल बिगर कंट्री होके भी बहुत बुरी हालत थी एंड द थिंग्स चेंज्ड आफ्टर 1991 कर्सी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह Actually, the Manmohan Singh is a good serviceman. उसका मालिक जैसा होगा वो वैसा काम करेगा. He is a good person, knowledgeable person. Narasimha Rao was very good administrator and I think the best prime minister India ever got. उसकी knowledge का
कोई मुकाबला नहीं था. ही वॉज रनिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स एंड ही डिड मोर वर्क देन वट मोदी कान डू. जितना काम मोदी नहीं कर पाया उससे ज़्यादा रिफॉर्म्स उस टाइम पे 1991 से शुरू करा. फॉर 3 ईयर्स ही मेड रिमार्केबल चेंज एंड ही ब्रॉट मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना था. ही वॉज RBI गवर्नर इन 80s एंड देन ही वॉज वर्किंग एज द इकोनॉमिक कंसल्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर. आई थिंक ही वॉज वर्किंग एज इकोनॉमिक कंसल्टेंट and Narasimha Rao made him finance minister and he always came through Rajya Sabha backdoor entries. kabhi aaj tak election jeeta thode na. so what is there, but he brought him. India was in the position jahan pe India would have been declared bankrupt aur India ko 20 tons of gold गिरवी रखना पड़ा फॉर गेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज. दैट वॉज द काइंड ऑफ पोजिशन एंड फ्रॉम देयर द मनमोहन सिंह ही ब्रॉट द इंडिया टू प्रॉस्पेरिटी. 91 to 96 वट एवर ही डिड वॉज एक्सलेंट एंड 2004 बिकॉज ही वॉज वर्किंग अंडर Narasimha Rao एंड इन माई ओपिनियन ही was the best prime minister India got till date. कि minority government run करके भी उसने वो काम कर डाले जो दूसरे full majority पे भी नहीं कर पा रहे. doesn't used to speak much and ज्यादातर समझदार लोग कम बोलते हैं. जो ज्यादा बोलते हैं वो उतने समझदार नहीं होते. एंड पीपल यूज टू अब्यूज हिम. उसको गाली देते थे पार्लियामेंट में भी. उसके लिए उल्टा सीधा बोलते रहता था. वो चुपचाप बैठा रहता था. बट ही यूज टू डू थिंग्स एंड ही मेड द चेंजेस. ही मेड द चेंजेस एंड ही केप्ट सोनिया गांधी ऑल्सो क्वाइट फॉर 6 ईयर्स. इवन ही हैज थ्रेटन्ड आई विल सेंड यू टू जेल. And that is why nobody takes his name in Congress. Nobody takes his name because he was actually a capable person. Now, so what is there? उसकी दुश्मनी तो political तो होती ही है उसमें. ठीक है. अब obviously उसको prime minister रहना था तो सोनिया गांधी तो वहां नहीं आ सकती थी ना. वो अपने rival को क्यों आने देता. एंड उसने सबको जितने थे सबको सीधा करके रखा. शरद पवार वॉज सपोज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर बट ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर. एंड देन फिर उसके बाद में जितने लोग थे उसने या जो उसके खिलाफ गया या तो मर गया जेल चला गया कुछ तभी हो गया उसको. एंड ही रन द गवर्नमेंट एंड ही कुड हैव स्पोकन 7 languages. 13 languages and when he used to speak it was like somebody knowledgeable is speaking. Bolta kam tha but jab wo bolta tha so he used to make an impact. Then there is a difference. There is a difference. Modi is a different kind of person. He is more like a showman. एंड जो नॉलेज होती है ना उसमें फर्क होता है ना. डिफरेंस आता है ना. सो व्हाट इज देयर. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि रैशनिंग क्या होता है. लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना कहलाता है रैशनिंग. तो अगर कैपिटल इज अ लिमिटेड रिसोर्स. हम मार्जिनल कॉस्टिंग में करते हैं ना. रॉ मटेरियल लिमिटेड रिसोर्स है. लिमिटिंग फैक्टर तो हम क्या करते हैं उसको बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट करते हैं जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो सके. ठीक. कॉस्टिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है.
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को उस रेशियो में एलोकेट करेंगे जहां पे वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। किस रेशियो में एलोकेट करेंगे, जहां पे हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो व्हाट हैपेंस हियर, सो राइट, कैपिटल रेशनिंग इज अ सिचुएशन, इज अ सिचुएशन वेयर मोर देन वन वन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट अवेलेबल बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी सेलेक्टेड ड्यू टू funds constraint, due to funds constraint. In that situation, in that situation, we should select the projects in such a way, in such a way which maximize the NPV of combination, which maximize the NPV of combination. अब यहां पे हमारे प्रोजेक्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक डिविजिबल हो सकता है और एक इनडिविजिबल हो सकता है। सो राइट, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट, प्रोजेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड can be divided in two categories, can be divided in two categories. Under that, first, indivisible project, and second, divisible projects, indivisible projects and divisible projects. Right, indivisible projects projects can be implemented in full and cannot be
implemented in parts. Can be implemented in full and cannot be implemented in parts. मतलब या तो पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करोगे या फिर नहीं करोगे. देन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कैन बी इंप्लीमेंटेड इन फुल and can be implemented in parts also. Can be implemented in parts also. Can be implemented in parts also. तो क्या हो गया, डिविजिबल प्रोजेक्ट कैसा है, पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा जा सकता है या फिर पार्शियल प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है. ठीक. एंड इन केस ऑफ द इंडिविजिबल प्रोजेक्ट, सिर्फ पूरा प्रोजेक्ट ही इंप्लीमेंट करा जा सकता है, पार्शियल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता. अगर हम अपने कोर्स की बात करें तो डिविजिबल प्रोजेक्ट है, फाइनल पहुंच के भी जॉब तो मिल ही जाती है. बहुत सारे लोग जॉब स्टार्ट कर देते हैं और फिर जब जॉब स्टार्ट कर दिया फिर कंप्लीट होता नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है जॉब स्टार्ट करने के बाद में, बहुत दिक्कत होती है. एंड बहुत सारे केसेस में लोग बाद में जाके 40s 50s में जाके फिर बाद में फिर कंप्लीट करने की सोचते हैं कि कंप्लीट कर लें, क्योंकि शुरुआत में वर्टिकल प्रमोशन मिल जाता है, फिर एक लिमिट के बाद में प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है और वो डिग्री नहीं है तो फिर दिक्कतें होती हैं. इन आई हैव सीन द पीपल दोज आर गेटिंग द पैकेज ऑफ 24-25 lakhs पर एनम एंड बहुत सीनियर पोजीशन में, अंडर में चार चार्टर्ड काम कर रहे हैं, बट अब पोजीशन ऐसी आ गई कि अब इसके ऊपर प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि वहां के लिए, उस पोस्ट के लिए अब डिग्री चाहिए. तो अब उसका कोई एक जूनियर उसका बॉस बन सकता है, ठीक, जिसको वो चिल्लाता था, अब जब वो उसका बॉस बनेगा तो सब हिसाब गिन गिन के लेगा, ठीक. एंड देन फिर मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक. सो क्या हो गया, सो क्या हुआ, ये डिविजिबल प्रोजेक्ट हुआ. अब इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स कैसे हुए, कि पूरा इंप्लीमेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक. अब सपोज कैलकुलेटर खरीदने गए, कैलकुलेटर खरीदने गए, 150 रुपए लेके गए, दुकान पे पता किया, पता चला वो जो कैलकुलेटर पसंद आया वो 200 रुपए का. अब उसमें ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि उसको बोला कि इसमें अच्छा एक काम कर, इक्वल का बटन छोड़ दे, 150 में दे दे. या तो पूरा कैलकुलेटर लोगे या फिर नहीं लोगे. तो क्या हुआ, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता ना, या तो तुम इंप्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे. इज इट क्लियर. अब यहां पे राइट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ऑफ प्रोजेक्ट्स, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, right, in case of indivisible projects, in case of indivisible projects, NPV method should be used for selection of projects, and
Second, in case of divisible projects, profitability index method should be used for selection of projects. Tick. So what is there when it is coming to the method of selection? It depends on कि हमारे projects indivisible हैं या फिर divisible हैं. वैसे एक IRR method भी होता है, but that IRR method is inferior to both NPV and profitability index method. We take the example. Come to problem number 20. Problem number 20 पे आओ. Problem number 20, ABC Limited has capital budget of rupees 20 lakhs for the first year. It has been before it the following 6 proposals for which necessary information is provided here under. यहाँ पे 6 proposals दिए हैं and total investment budget है कितना? Is 20 lakhs. अगर इन 6 प्रपोजल्स का टोटल इनिशियल आउटले लोगे तो वो 20 लाख से ज्यादा आ रहा है. अगर 20 लाख से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करे जा सकते. इसमें से हमारे को बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे. एंड फॉर दिस व्हाट यू विल हैव टू डू हियर, यहां पे क्या करना होगा उसके लिए, अब इसमें इवैल्यूएट द प्रपोजल अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल. इनडिविजिबल है तो हमारा कौन सा मेथड यूज होना है? एनपीवी मेथड यूज होना है. एंड सेकंड, प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल. अगर डिविजिबल है तो हमारा कौन सा मेथड यूज होगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. नाउ हियर right assumption one, and what is assumption one? Projects are indivisible. Projects are indivisible. Now, write as projects are indivisible, NPV method should be used. NPV method should be used for selection of projects. And here write step one. Give rank to projects according to
their NPVs. Give rank to projects according to their NPVs. अब यहाँ पे कॉलम्स भी टेक प्रोजेक्ट देन एनपीवी एंड देन रैंक. हमारे पास में प्रोजेक्ट्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ. एनपीवी है हमारे पास में 3 लैक्स 1,60,000 2 लैक 1 लैक 4,50,000 एंड नेगेटिव 2,50,000. नाउ वी विल गिव रैंक अकॉर्डिंग टू देयर एनपीवी. जो हाईएस्ट एनपीवी है उसको रैंक 1 हो गया, उसके बाद में उससे कम, देन फिर दिस इज सी इज रैंक 3, दिस इज रैंक 4, दिस इज रैंक 5 एंड दिस इज रैंक 6. यही तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहलाता है. वो करेंगे ना, आता ना डिस्कस करते. देन अब इसके बाद में राइट स्टेप 2. स्टार्ट सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ranks till either funds are exhausted or NPV of next project to be selected is negative. Next project to be selected is negative. मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट करना शुरू करेंगे प्रोजेक्ट, फ्रॉम द हाइएस्ट एनपीवी टू द लोएस्ट वन. एंड कब तक सेलेक्ट करते रहेंगे, या तो हमारे फंड्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, या फिर हम जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी एनपीवी नेगेटिव है. सो राइट स्टेटमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स. फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स and the columns we are going to have here is rank, then project, then NPV, then outlay, and then cumulative outlay. Rank, project, NPV, outlay, and then cumulative outlay. Now here rank 1 is for the project E. Rank 1 is for project E. Iska NPV kitna hai? 4,50,000. Outlay kitna hai? 5,50,000. And cumulative outlay is 5,50,000. Then second rank is for project A. For project A NPV kitna hai? 3 lakhs.
आउटले कितना है 7 लाख, क्यूमुलेटिव आउटले इज 12,50,000। थर्ड रैंक इस पर प्रोजेक्ट सी, एनपीवी है 2 लाख, आउटले है इसका 5 लाख एंड क्यूमुलेटिव आउटले इज 17,50,000। अब यहां पे हमारा फोर्थ रैंक कौन से प्रोजेक्ट का है, फॉर बी, उसमें आउटले कितना है 2,50,000। अब यहां पे ये भी हो सकता था कि फोर्थ रैंक पे जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें सपोज इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज है, तो अब यहां पे हमारे पास अवेलेबल फंड्स तो बचे 2,50,000 है, तो हमारे को वो रैंक छोड़ना पड़ेगा और नेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो फिट होता हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट यहां पे वो वैसा केस नहीं है, यहां पे वो सेलेक्ट हो जा रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनपीवी है। इन केस ऑफ इंडिविजिबल प्रोजेक्ट ये ऐसा हो सकता है कि हमारे सारे के सारे फंड इन्वेस्ट हो ही ना, हम ऐसे कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाए जिसमें सारे के सारे फंड्स इन्वेस्ट हो जाएं। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस इन दैट सिचुएशन, तो यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से बेटर क्या होगा, एनपीवी मेथड। जो भी कॉम्बिनेशन की एनपीवी सबसे ज्यादा है वो सेलेक्ट करो, भले ही उसमें पूरे फंड्स इन्वेस्ट हो पा रहे हो या फिर नहीं हो पा रहे हो। यहां पे तो सारे फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, बट अदरवाइज इंडिविजिबल प्रोजेक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फंड्स इन्वेस्ट हो ही सकते हो। बट इन केस ऑफ द डिविजिबल प्रोजेक्ट हमारे सारे के सारे फंड्स इन्वेस्ट होंगे ही, क्योंकि हम पार्शियल प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे जो हम सिलेक्शन करेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्योंकि अगर मैं यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के अकॉर्डिंग जाऊं तो मेरे पास में अनइन्वेस्टेड फंड बचे रह जाएंगे, अभी करेंगे जब करता हूं तब उसमें बताता। तो वहां पे हमारे अनइन्वेस्टेड फंड्स बचे रह जाएंगे एंड उस कॉम्बिनेशन की एनपीवी इस कॉम्बिनेशन की एनपीवी से कम आएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मतलब एनपीवी है। इज इट क्लियर? ये तो मेथड ऑफ सिलेक्शन है, बट अल्टीमेटली कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट होना चाहिए जिसकी एनपीवी हाइएस्ट हो। इज इट क्लियर? तुम कैसे भी सेलेक्ट करो, ठीक। सो यहां पे फोर्थ रैंक इज फॉर विच प्रोजेक्ट, फॉर प्रोजेक्ट बी, इसका एनपीवी इज 1,60,000, दिस इज 2,50,000 एंड क्यूमुलेटिव आउटले इज 20 लाख, टोटल ऑफ एनपीवी 11,10,000। So write projects E, A, C and B should be selected, requiring funds of rupees 20 lakhs and giving NPV of rupees 11,10,000. Giving NPV of rupees 11,10,000. देन अब इसके बाद में अजम्पशन टू है प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं तो हमारे को मेथड यूज करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो इसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंप्यूट करने पड़ेंगे एंड देन वी विल बी कंप्यूटिंग द
will be giving the rank and accordingly we are going to select the projects. So yahan pe write assumption 2. Assumption 2. Projects are divisible. Projects are divisible. So write as projects are divisible, as projects are divisible, are divisible, profitability index method should be used, for selection of projects. And here step one, and the step one is compute profitability index and give rank according to their profitability index. So isme कॉलम्स हमारे पास में क्या आएंगे, प्रपोजल, देन आउटले, देन एनपीवी, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड देन वन कॉलम वी आर टेकिंग फॉर द रैंक. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, दिस इज NPV plus initial investment divided by initial investment. अब यहां proposal A, outlay is 7 lakh, NPV is 3 lakh, profitability index NPV 3 lakhs plus initial investment 7 lakh divided by initial investment 7 lakh 1.43 ले लेते हैं, ठीक. देन अब इसके बाद में फॉर बी outlay is 2,50,000. This is 1,60,000. So this is 1,60,000 plus 2,50,000 divided by 2,50,000. Kitna? 6,4. Then same way compute for project C, 5 lakhs, 1.40, then D ke liye hai, it is 2 lakhs, then 1 lakh, kitna 1.50. Then E 5,50,000, 4,50,000, 1.82,
Then F 7,50,000, negative 2,50,000, 0.67. Step 2. रैंक, अब इसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं हम रैंक, हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से लोएस्ट. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. सो द रैंक्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस. सो राइट, start selecting the projects according to their ranks till either funds are exhausted, or profitability index of project to be selected is less than 1. So statement for selection of projects, and the columns are rank, project, profitability index, then NPV, then outlay, and then cumulative outlay. Now, rank 1 कौन से प्रोजेक्ट का है? प्रोजेक्ट E का ही है. इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.82. इसका एनपीवी है 4,50,000. आउटले इज 5,50,000 एंड क्यूमुलेटिव आउटले इज 5,50,000. देन सेकेंड रैंक इज फॉर द प्रोजेक्ट बी, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.64 है. इसका एनपीवी है 1,60,000, आउटले है 2,50,000 एंड दिस इज 8 लैक्स. हमारा थर्ड रैंक है फॉर द प्रोजेक्ट डी, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.50, एनपीवी है 1 लाख, आउटले है 2 लाख, क्यूमुलेटिव आउटले है 10 लाख. देन फोर्थ रैंक इज फॉर द प्रोजेक्ट ए, इसमें हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.43, एनपीवी 3 लाख, दिस इज 7 लाख एंड दिस इज 17 लाख, दिस इज 17 लाख. Now, अब इसमें हमारे पास फंड्स बचे कितने? 3 लाख. अब अगर हम फिफ्थ रैंक सेलेक्ट करते हैं तो फिफ्थ रैंक पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? प्रोजेक्ट सी, जिसमें फंड्स रिक्वायर्ड थे कितने? 5 लाख.
बट हमारे पास अवेलेबल है कितने, 3 लैक्स। तब क्या होगा, हम पूरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमारे को पार्शल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें अगर तुम पिछले उसमें जाते तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सेलेक्ट करते हो, 3 लाख रुपए बच जाते थे हमारे। अब इसका एनपीवी निकाल के देखो कितना आ रहा है, 4,37,8,50,000, 8,50,000, 10,10,000 आता था। तो क्या ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो जाता था? आंसर इज नो। तो अगर प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज होके आएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैक्सिमाइज करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो वेल्थ मैक्सिमाइज करना, मतलब एनपीवी मैक्सिमाइज करना। हमारे को वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जहां पे हमारी एनपीवी मैक्सिमम हो। इज इट क्लियर? ठीक। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो एक मेथड है सिलेक्शन का, ठीक। देन अब इसके बाद में फिफ्थ रैंक में कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, 60%। 3 लाख हमारे पास फंड्स अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, 60% ऑफ सी लेंगे। इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.40 एंड एनपीवी विल बी प्रोपोर्शनेटली 2 लाख का 60%, दिस इज 1,20,000। And here the investment is 3 lakhs and this will be 20 lakhs। अब यहाँ total NPV लो selection की, total NPV कितना आ गया, 11,30,000। So write projects, projects E, B, D, A and 60% of C should be selected requiring funds of rupees 20 lakhs and giving NPV of rupees 11,30,000, giving NPV of rupees 11,30,000। Hope this is understood। अब इसके बाद में आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 पे। सी लिमिटेड इज एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो फिर वही प्रोजेक्ट हमने लिया होता ना सिलेक्शन के लिए, ये हमारे पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ना। अगर तुम्हारे पास में वो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी तो वो भी ले लेते, उसको भी यहाँ पे इवेल्युएट करते ना। अगर तो क्वेश्चन शी सही कि अगर 3 लाख कहीं और इन्वेस्ट करके और ज़्यादा मिलता तो उसको यहाँ सिलेक्शन में लेते ना, हम उसको भी लेते ना। ये हम क्या ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ही तो ले रहे ना, ये क्या ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। एंड यू आर सेइंग कि इससे बेटर इन्वेस्टमेंट होता तो ठीक है ना, उसको भी यहां पे कोई तो भी प्रपोजल में होता ना, वो इससे बेटर है ना। ऊपर हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज थी ना, जहां जहां हम इन्वेस्ट कर सकते थे। एक प्रपोजल ये भी है, इससे बेटर कुछ था तो वो भी लेते, उसको सेलेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक। नाउ प्रॉब्लम नंबर 19 में
क्या बोला है, सी लिमिटेड इज एक्सपीरियंसिंग अ शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट ईयर व्हेन ओनली रुपीज 1 लाख इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, नो शॉर्टेजेस आर फोरसीन देयर आफ्टर, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स इज 20% and the following projects are available. So project A to F is here, initial outlay, annual receipt to perpetuity, advise management which project to accept if they are divisible. Now ab yahan pe advise management which project to accept if they are divisible. अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं तो कौन सा मेथड हमारे को यूज करना है फॉर सिलेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. अब यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो दिया हुआ है एंड एनुअल रिसीट टू परपेचुटी दी हुई है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कंप्यूट करना पड़ेगा. इनिशियल आउटले तो हो गया, वो तो जीरो ईयर का हुआ, वो तो वैसे भी डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही रहता है उसका. तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी निकालनी पड़ेगी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, ठीक, एंड दैट डिस्काउंट रेट इज 20%. तो क्या करना होगा, पहली चीज कि प्रोजेक्ट अगर डिविजिबल है तो हमारा मेथड कौन सा होगा सिलेक्शन का, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. सो यहां पे हम लिख रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए, एग्जाम में डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो एंड कंप्यूट करके गिव द रैंक, एंड अगर एनपीवी है तो रैंक वही क्वेश्चन में ही रैंक दे दो. ये तो रेफरेंस के लिए करा ना, कि बाद में जब तुम करोगे तो पता चला कि वो क्वेश्चन में मिट गया पेंसिल से लिखा था और फिर समझ में नहीं आ रहा रैंक कहां से आ गए. देन सर राइट राइट द नोट एज projects are divisible, as projects are divisible, profitability index method should be used for selection of projects, should be used for selection of projects. Then write step 1 compute profitability index and give rank according to their profitability index. So यहां पे कॉलम्स हमारे पास क्या आएंगे, प्रोजेक्ट, देन इनिशियल आउटले, इनिशियल outlay, then annual receipt to perpetuity, then present value of annual receipt, then NPV, then profitability index, and then one column for the rank. Present value of annual receipt at 20%. Present value of annual receipt at 20%. अब इसमें प्रोजेक्ट ए इनिशियल आउटले कितना है, 50,
Annual receipt to perpetuity is 15. So 15 divided by 20%, ये कितना आ गया? 75. And NPV will be present value of cash inflow minus present value of cash outflow. 75 minus 50 आ गया 25. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दो तरीके से निकाल सकते हो, एक एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है? 75 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 50, तो कितना आ गया? 1.5. देन अब इसके बाद में फॉर प्रोजेक्ट बी इनिशियल आउटले है 80, एनुअल रिसीट टू परपेचुइटी इज 20, डिवाइडेड बाय 20% दिस इज 100. एनपीवी आ जाएगा 20, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा 1.25. Then for C, this is 60, 18, 90, 30, 1.5. For D, 30, 10, 50, 20, 1.67. You know, 1.67? 1.6. देन इसके बाद में ई 25, 8, 40, and the NPV is coming 15, profitability index kina 1.6. then F 40 10 50 10, 1.25. now we give the rank according to their profitability indexes. This is first, this is second, and there are 2/3 ranks and there are 2/4 ranks. जिसकी profitability index same है उसका rank भी same है and they will be having same priority of selection. या अगर दोनों select हो सकते होंगे तो दोनों select कर लेंगे, अगर दोनों में से कोई एक select हो सकता होगा तो कोई भी select हो सकता. We see. Then अब इसके बाद में right step 2. Statement for selection of projects. Statement for selection of projects. Statement for selection of projects. So here the columns are going to be rank, project, then profitability index, then NPV, then outlay, and then cumulative outlay. Outlay and cumulative outlay. अब इसमें क्या करेंगे हम? We'll be starting with the first rank. First rank कौन से project का है? Project D का है.
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है 1.67, एनपीवी इसका है कितना 20, आउटले कितना है इसका 30, तो क्यूमुलेटिव आउटले हो गया 30। सेकंड रैंक इस फॉर विच प्रोजेक्ट, इस फॉर द प्रोजेक्ट ई, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.60, एनपीवी है 15, आउटले है 25, सो क्यूमुलेटिव हो गया 55। अब हमारे पास में टोटल फंड्स है 1 लाख, मतलब 100,000। अब इस केस में कितना बचा रह गया, 45 बचा रह गया। सो 45 के लिए अब यहां पे हमारे पास में दो थर्ड रैंक है, हमारे पास में दो थर्ड रैंक है, एंड एक्चुअल में तो पूरा अमाउंट तो किसी में फिट नहीं हो रहा। अगर हम प्रोजेक्ट ए लें तो उसमें इनिशियल आउटले है 50,000, प्रोजेक्ट सी लें तो उसमें इनिशियल आउटले है 60,000, और हमारे पास में अवेलेबल है कितना 45,000। तो या तो हमारे को 90% ऑफ ए लेना पड़ेगा या फिर 75% ऑफ सी लेना पड़ेगा 45 के लिए, ठीक। तो पहले मैं 90% ऑफ ए लेता हूं, फिर उसके बाद में 75% ऑफ सी करके भी दिखाता हूं, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। सो यहां पे फर्स्ट वी आर टेकिंग 90% ऑफ ए, थर्ड 90% ऑफ ए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है कितना इसका 1.5, एनपीवी हो जाएगा 22.5, दिस इज 25 का 90%, एंड आउटले हो जाएगा 45, दिस इज 50 का 90%, एंड क्यूमुलेटिव आउटले हो जाएगा 100, एंड द टोटल एनपीवी इज गोइंग टू बी 57.5। This is total NPV. Then alternative selection. Alternative selection. And इसमें वही same columns rank. प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एनपीवी आउटले एंड क्यूमुलेटिव आउटले, ठीक। यहां पे रैंक वन सेम रहेगा, डी 1.67, 20, 30, 30, रैंक टू भी सेम है, ई 1.60, 15, 25, 55, यहां तक तो सेम ही रहेगा। बट अब हम क्या कर रहे हैं, रादर देन सेलेक्टिंग 90% ऑफ ए वी आर टेकिंग 75% ऑफ सी, ठीक। हमने क्या करा, अब यहां ले लिया 75% ऑफ सी, एंड हियर 1.5 है, दिस विल बी कमिंग 22.5, बट कैसे, दिस 75%, इसका एनपीवी है कितना 30, एंड दिस इज 45, कैसे 75% ऑफ 60, टोटल हो गया 100। तो टोटल एनपीवी हमारी कितनी आ जाएगी, टोटल एनपीवी इज
total NPV is 57.50. तो अगर दो प्रोजेक्ट की सेम रैंक आ रही है देन दे आर हैविंग द सेम प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्शन, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते थे दोनों में से. होप दिस पॉइंट इज क्लियर. या तो ए को सेलेक्ट, सॉरी, या तो ए को सेलेक्ट कर सकते या फिर सी को सेलेक्ट कर सकते, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है. इज इट क्लियर? एंड इन केस ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट हमारे 100% ऑफ फंड्स इन्वेस्ट होंगे ही, बट इन केस ऑफ इनडिविजिबल प्रोजेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे 100% ऑफ फंड्स इन्वेस्ट हो ही पाए. अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, हमारे को वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जहां हमारी वेल्थ या एनपीवी मैक्सिमाइज हो जाए. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो एक टूल है सिलेक्शन के लिए. जहां सारे फंड्स इन्वेस्ट हो रहे होंगे वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेटर होगा. क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंप्यूट क्या करता है, इट इज कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर 1 रुपी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. क्या कंप्यूट करता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? इट इज कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर 1 रुपी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो इन दैट केस अगर हमारे टोटल फंड्स इन्वेस्ट होने ही हैं तो हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड पे ही सिलेक्शन करना चाहिए, कोई सेकंड ओपिनियन होता ही नहीं. दिस इज द पॉइंट ही वॉज रेजिंग कि हम 1 रुपी ऑफ कैपिटल के लिए एनपीवी निकालते हैं. सो वी हैव डन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यही करता है कि 1 रुपी ऑफ कैपिटल के लिए क्या कंप्यूट करता है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कंप्यूट करता है. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां पे ऑटोमेटिकली हमारे वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे जो हमारे कैपिटल पे ज्यादा एनपीवी दे रहे होंगे. बट अगर हमारे प्रोजेक्ट डिविजिबल हैं, सॉरी इनडिविजिबल है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, हमें वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने चाहिए जहां पे हमारी एनपीवी मैक्सिमम हो. क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में अगर तुम इस रूल के हिसाब से स्ट्रिक्ट जाओगे तो क्या गड़बड़ हो सकती है कि हमारे प्रोजेक्ट बचे रह जाएं जहां पे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है. ठीक है, सो इन दैट केस घूम फिर के हमारे को पहुंचना कहां पे है, हाईएस्ट एनपीवी पे पहुंचना. यहां ऑटोमेटिकली निकलेगी, वहां पे वैसे निकलेगी एनपीवी. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक, अगर बीच में अगर कोई प्रोजेक्ट इंडिविजिबल प्रोजेक्ट में अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हो कि फंड्स रेस्ट्रिक्टेड है तो उसको छोड़ दो, उसकी जगह दूसरा ले लो. इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां पे छोड़ने का सवाल ही नहीं आता क्योंकि पार्शियल प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो ही सकते हैं. ठीक. सो हियर इन दिस केस, सो ये हमारे पास आ गया कैपिटल रेशनिंग आ गया. अब इसके बाद में ठीक, सो होमवर्क, होमवर्क है प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7, 8. फाइव सिक्स एट पेज 292, 7, 8 एट पेज 293. दिस इज होमवर्क. थैंक यू वेरी मच.